चलो जी एलिफेंट कॉरिडोर की बात करते हैं नाउ अभी रिसेंटली देर वॉज ए न्यूज दैट लास्ट ईयर अराउंड एलेवन हंड्रेड प्लस एलिफेंट्स हैव डाइड एक साल के अंदर ग्यारह सौ के करीब एलिफेंट्स जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स रेलवे एक्सीडेंट्स हो गए या हाईवे पे एक्सीडेंट्स हो गए या इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से

ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो एनिमल्स तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर देंगे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं उसी तरीके से एलिफेंट्स भी माइग्रेट करते हैं दे मूव इन द जंगल्स सो अभी हमने बीच में सड़क बना दी रेलवे लाइन बना दी एक अपार्टमेंट्स बना दिए शहर आ गया बीच में सो एलिफेंट्स दे दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस जो हमारा ट्रेडिशनल घर था उसमें क्या हो गया सो so, वहाँ पर ट्रेन्स आ जाती हैं वहाँ पर फेंसिंग की गई है जो इलेक्ट्रिक करंट्स छोड़ती है और उसकी वजह से सबसे ज्यादा एलिफेंट्स मरते हैं सो नाउ टू प्रोटेक्ट द इनवायरमेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स नाउ बहुत अच्छे सिस्टम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं नाउ यू विल सी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर जो हमारे भारत के हैं भूपेंद्र यादव वो क्या बोलते हैं दैट द मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इनिशिएटेड द वेरिफिकेशन एक्सरसाइज ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स And it is also working on mapping land use and land cover of elephant reserves in the country using the GIS technology, which will also aid conservation. So first let us tell you what is GIS, GIS technology. Geographic information System. It is a computer system for capturing, storing, checking and displaying data related to positions on Earth's surface. जी एस कैन शो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा ऑन वन मैप लाइक स्ट्रीट्स बिल्डिंग्स वेजिटेशन सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे हम एलिफेंट कॉरिडोर को एलिफेंट रिजर्व को मैप कर लेंगे यूजिंग टेक्नोलॉजी देन एलिफेंट कॉरिडोर दे हैव बीन चेंजिंग ओवर द ईयर ऑब्वियसली बिकॉज वी आर हेयर ह्यूमन बींगस टू इंटरफेयर विद एवरी थिंग सो एलिफेंट कॉरिडोर वो चेंज होते जा रहे हैं अब हमने जो एलिफेंट कॉरिडोर दो हजार पाँच में आइडेंटिफाई किए थे वो थे

एलिफेंट्स वर फाइंडिंग न्यू रूट वो अपनी जर्नी करने के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं ओवर द लास्ट डेकेड सेट नाउ डॉक्टर प्रजन पांडा ऑफ मिनिस्ट्रीज प्रोजेक्ट एलिफेंट तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तो हमने ये देखा कि जी आई एस टेक्नोलॉजी क्या चीज है सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू नो इज देर इज अ प्रोजेक्ट एलिफेंट सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर सो प्रोजेक्ट एलिफेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एंड शी सेग दैट दिस द मिनिस्ट्रीज प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो डायरेक्टर हैं वो क्या बोल रही हैं दैट द लिस्ट ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर प्रिपेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वो मैच नहीं करती हैं तो अब हम क्या करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की लिस्ट के साथ मैच करेंगे और एक कॉर्डिनेटेड एफर्ट होगा एलिफेंट्स को बचाने का ना व्हाट वॉज प्रोजेक्ट एलिफेंट नाउ दिस वॉज लॉन्च इन नाइनटीन नाइनटी ये एक भारत सरकार की स्कीम है प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम के जरिए द गवर्नमेंट हेल्प स्टेट्स विद पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स इन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एलिफेंट्स तो भारत सरकार पैसे भेजती है स्टेट सरकारों को ताकि वो एलिफेंट पॉपुलेशन को कंजर्व कर सकें उनकी पॉपुलेशन बढ़े उनके जो हैबिटैट्स हैं उनको हम सिक्योर कर सकें इट एनश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर एंड एलिफेंट हैबिटेट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन सिक्सटीन स्टेट्स अब ये पुराना है ट्वेंटी एट स्टेट्स अब नहीं है लेकिन टोटल सिक्सटीन स्टेट्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड नाउ दी स्टेट्स विल बी सेवनटीन स्टेट्स बिकॉज आंध्र प्रदेश हैज़ बिन बाईफरकेटेड इन टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना अब इससे जरूरी हमने ये देखना है दैट वी विल सी लेटर ऑन कि एलिफेंट्स कहां पर मिलते हैं व्हाट इज देयर एरिया ऑफ हैबिटेशन प्रेजेंटली नाउ असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ द सेंसस ये एलिफेंट सेंसस की बात हम कर रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग ऑफ फील्ड ऑफिशियल्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू इन्श्योर द मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इंडियन एलिफेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन फाइंड सच पॉइंट इन द एमसीक्यूज क्या लिखा है यहां पर द इंडियन एलिफेंट इज फाउंड स्पेशली इन द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन द ईस्टर्न इंडिया सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया सो ये डिफरेंट हिस्से हैं जहां पर इंडियन एलिफेंट मिलता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का

कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना की जो इलीगल तस्करी होती है जानवरों की उनको रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है इन्वॉल्विंग डिफरेंट कंट्रीज इट वॉज ड्राफ्टिड एज रिजल्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री एट अ मीटिंग ऑफ मेम्बर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई यू सी एन की ही एक मीटिंग पर साइट्स तैयार किया गया था एंड इट वॉज एंटर्ड इन टू फोर्स इन नाइनटीन फाइव राइट ओके सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू अर्थ समिट 1992 में कौन से तीन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स निकलकर सामने आए थे हा जी लेट्स शो सम स्पीड नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज दिस अवेटिंग योर आंसर्स क्वेश्चन नंबर टू इज कौन सा इनिशिएटिव है भारत सरकार का जिसके तहत सभी सिटीजन्स की उनके कंसेंट के बाद एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाएगी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिशन हमने दो मिशन डिस्कस किए हैं एक डिटेल में एक थोड़ी कम डिटेल में सो so, गलत वाला नहीं बताना वॉट वॉज द मिशन यूनिक हेल्थ आई डी सभी स्टेक होल्डर्स जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका एक डाटा डाटा बेस तैयार किया जाएगा राइट right. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राइट right. सो so, हमने अपनी अमिशन इंटेंसिटी के टारगेट को 33 थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया था दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन बिफोर वी मूव फर्दर एंड व्हाट अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स हमारी टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी का कितना परसेंट करेंगे हम राइट सीओवी ट्वेंटी सिक्स कौन से शहर में हुई थी राइट सो दैट इज़ गुड दैट यू आर कॉन्सेंट्रेटेड चलिए मूव ऑन करते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आई होप आपको ये याद रहेगी साइट्स ये जो टोटल दस पंद्रह इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को लेकर ये बार बार रिपीट होंगी सो so, बार बार हम भी रिपीट करने की कोशिश करेंगे राइट ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर से ज़्यादा जरूरी है डिस्कस करना प्रोजेक्ट एलिफेंट उससे ज्यादा जरूरी था साइट और सबसे ज्यादा जरूरी है भारत सरकार का ये एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन टू इसके अंदर शेड्यूल्स हैं इंडियन एलिफेंट कौन से शेड्यूल में था वी जस्ट डिड इट इंडियन एलिफेंट वॉज इन शेड्यूल विच ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू थ्री पीपल नो दस ओके फाइन चलिए अब देखते हैं ये छे शेड्यूल हैं इन छह शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं पोचिंग स्मगलिंग एंड इन लीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल वन टू शेड्यूल फोर आर प्रोहिबिटेड बड़े ध्यान से इन फैक्ट को याद करना है एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल वन एंड पार्ट टू ऑफ शेड्यूल टू क्या बोला आपने

तो आपकी पेनल्टीज एज कम्पेयर टू जो शेड्यूल वन और पार्ट टू ऑफ शेड्यूल टू है उसके मुकाबले थोड़ी कम है दे आर लोअर एज कम्पेयर टू शेड्यूल एंड पार्ट ऑफ शेड्यूल टू देन एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल फाइव दे आर कॉल्ड वर्मिन विच कैन बी हंटेड तो कोई अगर जानवर नुकसान पहुंचाता है फसल को या ह्यूमन हैबिटेशन को या फिर डिजीज स्प्रेड कर रहा है तो ऐसे जानवर को वर्मन डिक्लेयर किया जाएगा उसके बाद उसको मारा जा सकता है ऐसा नहीं है कि कोई भी आ, किसी भी जानवर को उठ के मार रहा है राइट दैट इज नॉट अलाउड इज अ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑल्सो इन इंडिया देन कल्टिवेशन कलेक्शन एक्सट्रैक्शन ट्रेड एटसेट्रा ऑफ प्लांट्स एंड इट्स लिस्टेड इन शेड्यूल सिक्स आर प्रोहिबिटेड ये एक ऐसा फैक्ट है जो ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं एनिमल लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी हैं ट्रीज भी हैं जिनको आप कल्टीवेट कलेक्ट एक्सट्रैक्ट या ट्रेड नहीं कर सकते एंड देर इन दूल राइट सो ये थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको याद कर लो थोड़ी देर में यूल्टर कॉन्सेंट्रेशन नाउ आर द स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एलिफेंट मिलते हैं दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन और हमें यहाँ पे ये भी देखना है कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर एलिफेंट्स बहुत ज्यादा हैं और यही सारी स्टेट्स थी जो प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी कवर थी सो दीज आर कर्नाटका असम केरला तमिलनाडु उड़ीसा उत्तराखंड मेघालय अरुणाचल झारखंड नागालैंड छत्तीसगढ़ यस बिल्कुल राइट राधिका सो दिस वाज आर इंडिया एलिफेंट कॉरिडोर राइट ये न्यूज में उसके बाद भी था अभी रिसेंट मंथ्स में भी सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात चल रही है राइट right? एलिफेंट्स पे बात चलती है वहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे बात चलती है नदियों पर बात चलती है अनफॉर्चुनेटली एनवायरमेंट इज इन प्रेडी बैड शेप